आम जन की जीत, 36 ही कौम के लोग मिलके चुनाव लड़े थे और 13 तारीख का मतदान था, सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक एक उत्साह के रूप में, मजबूती के साथ एक उत्सव के रूप में चुनाव लड़े थे सब लोग मिलके, और इसी के बदले तो परिणाम जो आपके सामने कल 36 कौम के लोग मिलके चुनाव लड़े, इस बार खींवसर विजय हुआ है, खींवसर की जनता की जीत हुई है। मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने मूछों की बात कही थी, वो तो कहा था भी वहाँ हमारे गजेंद्र सिंह जी हमारे मुखिया है तो उनका दायित्व है कि इस बार सीट निकलनी चाहिए और अपनी सरकार में भागीदारी होनी चाहिए, तो उनकी बोलाउन थी सब लोगों को कि मजबूती के साथ डट के भारतीय जनता पार्टी को इस बार जीताना है। क्या प्राथमिकता तय की है क्षेत्र के विकास के लिए? प्राथमिकता सारी किसान हित में, युवाओं को जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिले, किसान हित में फैसला ले और क्षेत्र का चहुमुखी विकास कैसे हो। हनुमान बेनीवाल कह रहे थे कि अगली बार खींवसर में चुनाव हार जाते हैं तो आरएलपी मान लो कि मिट गई, वो तो जनता चाहती है तो मिट जाती है, जनता चाहती है तो बड़ा बना देती है। सर लोकतंत्र में जनता ही है सब कुछ। चलो सर, हनुमान जी ने ये भी कहा है कि आप उन्हीं की पार्टी में से गए थे और उन्हीं के साथ में पार्टी तो हम बना रहे हम भी एक हिस्सा थे, हनुमान जी को अकेले थोड़ी थे, पार्टी तो 18 में बनाई, मैं तो 20 साल पहले थे। द्रुव सिंह जी भी साथ थे आपके लगातार, जिसके कार्यकर्ताओं का किस तरीके साहब का द्रुव सिंह जी का बहुत बड़ा सहयोग, सब लोगों का, हमारे वरिष्ठ नेताओं का बहुत बड़ा सहयोग, यही हमारे किसानों के नेता पिछले 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को सींचने का काम द्रुव सिंह जी ने किया, हम सब मिलके सब लोगों ने चुनाव मजबूती के साथ, हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे धरातल पे भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता, समस्त जनप्रतिनिधि, समस्त गांव के मुखियान, 36 कौम के लोग मिलके चुनाव लड़े और इसका परिणाम जो कल आपको देखने को मिला।